क्रीमिया ब्रिज अटैक पर। इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है, ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने बनाया था हमले का प्लान। अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ब्रिटेन ने हमले के लिए यूक्रेन की मदद की थी। एक न्यूज वेबसाइट के हवाले से ये चौंकाने वाली खबर आ रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि तो जाहिर है इस वक्त कोई नहीं कर सकता, लेकिन ब्रिटेन को लेकर यह बड़ा दावा सामने आया है। ऐसे वक्त में जब लगातार हम कह रहे हैं निधि कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी लगातार जारी है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा खुलासा है, ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस की मदद करना इस तरह से, क्योंकि अब एक तरफ से ब्रिटिश, एक तरह से ब्रिटेन भी ये कह रहा है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन के साथ खड़े हैं, भले कुछ भी हो जाए। मनीष, ब्रिटेन कह रहा है कि जो रूस कर रहा है वो इस वक्त बौखलाहट है, वो इस वक्त इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, और इसी का ये सबूत है कि एक साथ इतने मिसाइल अटैक किए जाते हैं फिर भी ये थमेंगे नहीं, और अगर नहीं थमेंगे तो हम तब भी यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। मनीष, बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो टीवी 9 भारतवर्ष के दुनिया भर के दर्शकों के लिए ये हम खबर लेकर आ रहे हैं कि क्रीमिया पुल पर हमले को लेकर ब्रिटेन के ही एक न्यूज वेबसाइट ने कई दस्तावेजों के साथ ये दावा किया है कि ब्रिटेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी इसमें शामिल थी। अप्रैल से ये प्लान बन रहा था, और इसमें जो नाटो के एक सीनियर रैंक के एडवाइज़र हैं ब्रिटेन के, उन्होंने ये प्लान बनाया। इस प्लान के तहत ये था कि रूस यूक्रेन को मदद दी जाए कि किस तरीके से वो क्रीमिया पुल के, खास करके उस हिस्से में जहां पर कि पानी और पुल के बीच जो ऊंचाई है वो महज 10 मीटर का है और सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, वहां पर अटैक किया जाए, ताकि क्रीमिया पुल पर अगर ध्वस्त कर दिया गया तो रूस जो है वो रसद पहुंचा नहीं पाएगा। इस प्लान को यूक्रेन के साथ शेयर किया गया, ठीक है, और इसके सारे सबूत। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बने रहेंगे आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मॉस्को से लेकर कीव तक हमारे तमाम सहयोगी हर जगह मौजूद है। फिलहाल आप सभी का, सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े।